Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंझार कुंड और धुआं कुंड अपनी मनोरम सुंदरता के लिए जाना जाता है। बरसात की शुरुआत होते ही यहां पर्यटकों की आमद बढ़ जाती है। मंझार कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात दर्शकों से प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहां आकर लोग प्रकृति के संगीत को करीब से सुन पाते हैं। पहाड़ से गिरते पानी को निहारना रोमांचक एहसास देता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला में 3 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित मंझार कुंड व धुआं कुंड राज्य के रमणीय स्थानों में महत्व रखते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मंझार कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। ऊपर से बहने वाला पानी जाकर ऊंचे पर्वत से झरने के रूप में जमीन पर गिरता है। ये प्रकृति छटा आंखों को सुकून पहुंचाती है। वहीं मंझार कुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से 6 मील की गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआं कुंड का नाम मिल गया है। पहाड़ी से गहरी घाटी में गिर रहे इस जलप्रपात का लुत्फ उठाने रोहतास ही नहीं बगल के कैमूर भोजपुर औरंगाबाद और पटना के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी सैलानी पहुंचते हैं। मंझार कुंड का धार्मिक महत्व भी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सिखों के एक गुरु ने इसी दिन अपने अनुयायियों के साथ उक्त मनोरम स्थल पर अपनी रात बिताई थी। तभी से यह स्थल सिख समुदाय के लिए 3 दिनों तक तीर्थ माना जाने लगा। पूर्व में रक्षाबंधन के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को यहाँ गुरु ग्रंथ साहब को ले जाने की परंपरा रही थी। सिख समुदाय के लोग सपरिवार 3 दिनों तक मंझार कुंड पर प्रवास करते थे। इनके अलावा बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी हजारों सैलानी पहुंचते हैं और पिकनिक मनाते थे। कोई खाने पीने का रेडीमेड सामान लेकर पहुंचता था। वहीं काफ़ी संख्या में लोग जलप्रपात के आसपास पहाड़ी पर ही फैले अपने मनपसंद का भोजन बना लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते थे। कुंड का पानी औषधीय होने के कारण भोजन पचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, लेकिन धीरे धीरे यह मौका धार्मिक बंधनों को तोड़कर आम लोगों के लिए पिकनिक स्थल बन गया। मालूम हो कि 80 के दशक में कैमूर पहाड़ी पर दशायु द्वारा ठिकाना बना लेने के बाद में नक्सलियों के प्रभाव के कारण पिकनिक मनाने वालों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन कैमूर पहाड़ी से नक्सलियों का खात्मा होने के बाद अब हर वर्ष मंझार कुंड जलप्रपात पिकनिक मनाने वालों से गुलजार हो उठता है। मंझार कुंड जलप्रपात की प्राकृतिक छटा के पास युवाओं में पिकनिक को ले भी खासा उत्साह रहता है। रोहतास जिले के अलावा अन्य जगहों से लोग हाथ में बर्तन गैस चूल्हा व अन्य सामान के साथ बाइक व चरपहिया वाहनों से मंझार कुंड जलप्रपात के पास पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। मंझार कुंड के पास बने इस बंकर नुमा घर से प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। हर साल सावन पूर्णिमा के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को 50,000 से ज़्यादा संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं, जहां पिकनिक के रूप में मुर्गा भात और पकवान का मजा लेते हैं। उक्त स्थल के पानी की खासियत है कि ओवरडोज खाना खाने के बावजूद उक्त झरने का पानी पीने पर घंटे-दो घंटे में फिर से खाना खाने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। राजधानी पटना से करीब 158 किलोमीटर और सासाराम शहर से 10 किलोमीटर दूर मंझार और धुआं कुंड जलप्रपात तक जाने के लिए तारा चंडी मंदिर के पास से सड़क बनी हुई है, लेकिन पहाड़ी पर कुछ ही दूरी जाने के बाद सड़क की स्थिति थोड़ी दयनीय है। बाइक व चरपहिया वाहन यहां सुबह जाकर शाम तक लौट सकते हैं। साथ ही हमारी टीम आपसे अनुरोध करती है कि किसी भी जलप्रपातों पर घूमने जाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सेल्फी लेने के लिए जलप्रपात की खतरनाक जगहों पर ना जाएं। बारिश के कारण फिसलन का डर है, ऐसे जगहों पर खाली पैर ही ट्रैकिंग करें। तेज उफान वाले जगहों के ज़्यादा करीब आने का प्रयास ना करें, इन जगहों पर खतरों की अंदेशा भी बनी रहती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.